बजट को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला देखने को मिला है। सरकार से लोगों को उम्मीदें नहीं हैं, ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती, ये पवन खेड़ा ने कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बजट पर ये बड़ा बयान यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। पवन खेड़ा ने कहा है कि लोगों को उम्मीद ही नहीं है सरकार से कि वो कुछ कर सकती है, और कहा है कि महंगाई कम नहीं होने वाली है, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। लोगों को उम्मीद अब इस सरकार से बहुत कम है। पिछले 10 साल से धोखा मिला है लोगों को। महंगाई, दालों का रेट, टमाटर का रेट, सब्जियों का रेट, पेट्रोल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, ये सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती। बजट कैसा भी लाएंगे, आम आदमी के लिए उस बजट में कुछ नहीं होगा, बड़े लोगों के लिए, उनका, मोदी साहब के दोस्तों के लिए जो भी होगा वो होगा। तो बजट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है, और पवन खेड़ा ने यहां पर कहा है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा इस बार के बजट में भी, और लोगों को कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। लेकिन अब देखना होगा कि जब बजट पेश होता है तो उसमें क्या कुछ होता है, किस सेक्टर के लिए क्या सौगातें दी जाती हैं। लेकिन कांग्रेस फिलहाल यहां हमला करती हुई नजर आ रही है सरकार पर बजट को लेकर कि बजट में इस बार भी कुछ नहीं होने वाला है, और लोगों को उम्मीद भी नहीं है सरकार से कि उनके लिए कोई सौगात सरकार लेकर आएगी। लेकिन अब उनकी बातों में कितना दम है और कितनी सच्चाई है, ये 23 तारीख को ही पता चलेगा जब बजट पेश होगा। तो पवन खेड़ा की तरफ से ये बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होने वाला है। लगातार सरकार को ऑपोजिशन घेरता रहा है, और कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ऐसे ही बयानबाजी यहां देखने को मिली है। बजट को लेकर इस बार मरकजी सरकार को घेरा है पवन खेड़ा ने, और कहा है कि महंगाई कम नहीं होने वाली है, सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती है, और बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं होगा।